एसएसआर वॉरियर, आप भरोसा रखिए और दबाव बनाए रखिए। आपके दबाव के साथ ही ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। फ्रंट पे हम लोग एकदम से मोर्चा संभाले हुए हैं, पीछे में बस आप लोग अपना हौसला बनाए रखिए और समर्थन जारी रखिए। और इसी तरीके से सरकार पे, अदालत पे, जांच एजेंसी पे दबाव बनाते रहिए। फोन, ईमेल, प्रोग्राम, शेयर, वीडियो सब करते रहिए। सारे हथकंडे हम लोग अपनाएंगे और फ्रंट पे हम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, मोर्चा संभाले हुए हैं, एकदम चिंता नहीं करना है। एक और अभी ये जो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, आज अगर प्रधानमंत्री कार्यालय ने ऑलरेडी निर्देश दे दिया है तो सीबीआई को अब एक्शन करना ही पड़ेगा। बल्कि ये भी कहा है कि भाई कंप्लेनेंट को बताइए कि क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है। तो जो याचिका 26-6 दिसंबर को सुनवाई होनी है उसके पहले का ये डेवलपमेंट आ जाएगा। तो इसीलिए ये बेचैनी है और इसीलिए उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र बिना शर्त बीजेपी में आने के लिए सारे जुगत कर रहे हैं। आ भी जाओगे तो भी बचने नहीं देंगे। सरकार कुछ भी कर ले, आपको बचने नहीं देंगे। आपके सारे सबूत अब सबके सामने आ गए हैं। दोनों बाप बेटे, आप ध्यान से सुन लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो लगभग 3.5 साल से चल रहा है, पर अब इस पूरे मामले में पीएमओ की ओर से जवाब आ चुका है। सुशांत और दिशा केस को लेकर एक बार फिर से देखा कि पीएमओ ने अपना जवाब सामने रखा है और ये जवाब कैसे, कब और किसके पास आया है ये बताएंगे आपको इस वीडियो में। पर उसके साथ आपको बता दिया जाए कि आखिरकार बॉलीवुड का हाल जो बेहाल था क्या वो सुधरने वाला है। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए या फिर दिखा दिया जाए कि भैया पीएमओ का अब जवाब सामने आ चुका है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ओर से एक जवाब सामने आया है और ये जवाब का पूरा जो कहा जा रहा है डिटेलिंग में चीजें बताई गई हैं, वो बताई गई हैं नीलेश ओझा जी के द्वारा। और आप खुद सुनिए पहले उन्होंने क्या बताया इस मामले को लेकर। आज का जो अपडेट है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का जो आपका अभी जो फोन आया, रिसीव हुआ, बल्कि आपके ही ऑफिस में और रशीद खान पठान के पास जो फोन गया, उसका क्या विवरण है ये भी जनता जानना चाहती है। आपको कंप्लेंट अभी शो कीजिए प्रभात, जो पहला कंप्लेंट है, जो होम मिनिस्ट्री वाला कंप्लेंट है। ये कंप्लेंट देखिए, 17 अगस्त 2023 को यह दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। इस बाद में उसके मेन एड्रेस किया गया था अमित भाई शाह को, यूनियन होम मिनिस्टर। इसमें ये जो ऊपर का जो बॉक्स है, बॉक्स में सेकंड नंबर पे देखिए प्राइम मिनिस्टर के पास का केस नंबर है DPOJ/E/2023/00076766। यह उसका केस नंबर है। इसको इतने दिन स्क्रूटिनी, मतलब स्क्रूटिनी मतलब बाकी आपको पता ही है क्या स्क्रूटिनी वार्ड मजबूत जो भी चलती है, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो प्रेशर फ्रॉम एसएसआर वॉरियर्स है ये शायद काम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आया कि उन्होंने कहा कि देखिए ये जो आपका कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट हमने सीबीआई को फॉरवर्ड किया है और सीबीआई को स्पेसिफिक कहा गया है कि इसमें आप तुरंत एक्शन लेकर, आपने क्या एक्शन लिया उसका अपडेट कंप्लेनेंट को दीजिए। ये एक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन करके बताया गया। अब सेकंड थिंग, आप इसकी ये पढ़िए जो सब्जेक्ट है ना, देखिए इसमें मांग क्या की गई है। सीबीआई के अन्वेषण अधिकारी द्वारा सुशांत सिंह राजपूत और दिशा दलाल की हत्या के मामले में लगभग 3 वर्षों से तहकीकात प्रलंबित रखकर भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14, 19, 21 का उल्लंघन कर आरोपी को बचाने तथा आम जनता की भावनाओं का अनादर करने के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी 218/201/166/120B/34 आदि धाराओं के तहत कार्रवाई करने तथा मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में विशेष टीम SIT गठित करके निष्पक्ष तहकीकात करवाकर दोषियों को तुरंत गिरफ्तारी करवाने और अन्य कार्रवाई करवाने के आदेश तुरंत देने के संदर्भ में। एक, इसको आगे स्क्रोल कीजिए, सेकंड पेयर थी आरोपियों को और आरोपियों को बचाने के लिए झूठी गवाही देने वाले गवाहों की नार्को टेस्ट, मतलब आरोपियों की भी और आरोपियों को बचाने वाले झूठे गवाह जैसे रोहन राय है और अन्य लोग हैं जो किशोरी पेटनेकर है कि जो दिशा सालन के फैमिली को मिलकर मैनेज कर रहे हैं झूठे एविडेंस, ऐसे जो भी है गवाह उनकी नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट की कानूनी प्रक्रिया तुरंत करने के निर्देश सीबीआई को देने के संदर्भ में। तो इसमें आदित्य ठाकरे हो, चाहे लोगों के इसमें नाम हो इम्तियाज खत्रिका हो या फिर और जो भी नाम है लोगों के, इन सब के इसमें इनके कार्रवाई करने का ये सब इसमें बताया गया। अभी इस केस में अभी सीबीआई को ट्रांसफर हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गया है। अब उनको हमको बताना है और ऑफिशियली हम उनको अभी पूछेंगे। वैसा तो हमने कोर्ट में भी पूछा ही है उनसे, लेकिन अब तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आए हैं ना, हम आप पर्सनली पूछेंगे। हमने हाईकोर्ट में कोर्ट के थ्रू पूछा है कि अभी ये हमारे
कंप्लेंट पर आपने क्या कार्रवाई की और क्या अपडेट है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और ऑफिशियल डेवलपमेंट है। ये दिखाता है कि सरकार भी अभी इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लेना शुरू किया है। सरकार इस मामले को लेकर उन्होंने जो कुछ बात बताई है वो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि सुशांत मामला जो लगभग 3.5 साल से लगातार चल रहा है, इस मामले में कई सारे चीजें सामने आ रही हैं, कई सारे सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं सवाल के बीच में एक सवाल था कि आखिरकार इस मामले का जो सच है वो कब बाहर आएगा, इस मामले में जो सच छुपा हुआ है वो कब बाहर आएगा, कौन बाहर लाएगा, या फिर इस मामले में जो PIL दाखिल की जा रही है बॉम्बे हाईकोर्ट में राशिद खान पठान साहब जी के द्वारा, कहा जा रहा है कि उसको लेकर भी सुनवाई आने वाली है 6 तारीख को, उसकी सुनवाई की डेट बताई जा रही है। पर उससे पहले PMO की ओर से एक जवाब आ चुका है सामने, जिस कहा जा रहा है कि जवाब में कई सारी बातें लिखी गई हैं। आपने खुद सुना, नीलेश ओझा जी ने आपको डिटेल में बताया कि आखिरकार जो कहा जा रहा है कि PMO को लेटर लिखा था, अब फाइनली वहां से जवाब आया है। तो देखने वाला विषय यह है कि आखिरकार दिसंबर 2023 आ चुका है, 24 में चुनाव है, पर उससे पहले राम मंदिर बनने वाला है, तो क्या राम मंदिर जो बनना है, जो पूरा उद्घाटन होना है, उससे पहले यहाँ पर फैसला निकलेगा सुशांत दिशा केस को लेकर कोई, या फिर राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद जाकर कोई फैसला आएगा सामने, या चुनाव के आसपास कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है इस मामले को लेकर, ये तो पता नहीं। पर इस मामले को लेकर अब कई सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं और जिस तरीके से चीजें दिख रही हैं सुशांत केस में बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि जहां पर कहा जा रहा है कि एक तरफ नीतीश राणे हो, नीलेश राणे हो या फिर नारायण राणे जी हो, उनकी ओर से बड़े बड़े बयान दिए गए और हाल ही में पुणे में भी एक बड़ा बयान दिया गया कि भैया दिशा या सुशांत केस में वो नेता अंदर जाएगा, नेता का नाम भी ले लिया गया। तो आखिरकार नेता अंदर जाएगा नहीं जाएगा ये तो नहीं पता, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या और लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन लोगों का नाम इस पूरे मामले में शामिल हो सकता है। क्योंकि नीलेश ओझा जी ने तो साफ कह दिया भैया स्टाफ मेंबर जो वहाँ मौजूद थे, जो जो वहाँ स्टाफ बन के बैठे हुए थे, अगर वो वहाँ मौजूद है और कुछ नहीं बता रहे हैं तो सबसे पहले गुनहगार वही लोग बनते हैं, तो क्या उनका भी नाम इसमें आ जाएगा? तो क्या इस मामले में उनका नाम आने के बाद क्या वो सच उगल देंगे? ये फिलहाल तो कोई नहीं बता सकता, पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार जब कोई बड़ा डिसीजन निकल के आएगा तभी पता लगेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में चल क्या रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत केस में कई सारे लोग सामने आए, लोगों ने कहा कि हमारे पास चश्मदीद है, कई लोगों ने दावे किए भैया 13 को सुशांत ड्रॉप करने का एरिया को, ऐसे कई सारे दावे सामने निकल के आए। पर वहीं पर उन दावों के बाद धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया था, पर जब से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया सामने आया है तब से ही देखा जा रहा है कि इस मामले में बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और इन चीज़ों की वजह से कहा जा रहा है कि अब कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार वो जो खुलासे होंगे क्या उन खुलासों के बाद मामले में जो सच छुपा हुआ है वो सामने आ जाएगा, क्या उसको कोई रोकेगा तो नहीं, क्या कोई टोकेगा तो नहीं, ये कोई नहीं जानता। पर अब वेट करना पड़ेगा कि आखिरकार पहले तो 6 दिसंबर को जो सुनवाई होनी है और अब जो PMO की ओर से बताया जा रहा है कि एक रिप्लाई आया है और उस रिप्लाई में कई सारी बातें मेंशन की गई हैं, तो क्या CBI जो इतने टाइम से शांत है क्या अब CBI भी अपना मुंह खोलने वाली है, क्या CBI भी बड़ा बयान देने वाली है इस मामले को लेकर? क्योंकि पिछले 3 साल से CBI ने काम तो किया पर वो काम कितनी तेजी से हुआ और कितनी तेजी से बंद हुआ ये कोई नहीं जानता और अभी भी ये मामला मिस्टीरियस तौर पर देखा जाता है और अभी भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले का जो सच है वो कब बाहर आएगा, कैसे बाहर आएगा, कौन बाहर लाएगा, फिलहाल कोई नहीं जानता। पर जिस तरीके से मामला चल रहा है डेफिनेटली बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, आप बताइएगा अपनी राय कमेंट्स में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बॉलीवुड को लेकर, तो जहां पर कहा जा रहा था कि बॉलीवुड की कई सारी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, वहीं पर बॉलीवुड की हाल ही में आई हुई एक फिल्म एनिमल को लेकर बहुत तेजी से एक बात फैल रही है कि भैया एनिमल ने पूरे वर्ल्ड में पहले दिन 116 करोड़ के ऊपर कमा लिए हैं। अब ये आंकड़ा दिया है बॉलीवुड के फिल्म क्रिटिक्स तरण आदर्श ने, कहा जा रहा है कि उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि इस फिल्म ने एक दिन में 116 करोड़ के ऊपर की कमाई करी है ओपनिंग डे पर, और बताया जा रहा है कि इंडिया में हिंदी वर्जन में करीब 54.75 करोड़ कमाए हैं इस फिल्म ने और साउथ लैंग्वेज में इस फिल्म ने 9.5 करोड़ कमाए हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए इंडिया में इस फिल्म ने पहले दिन में 63.80 करोड़ कमाए, मतलब 63 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई पहले दिन में करी है इंडिया में, जिसमें करीब 20 करोड़ के आसपास या उसके ऊपर की प्री बुकिंग भी शामिल है। तो सोचिए ये रिकॉर्ड बताया जा रहा है जिसने
बहुत सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां पर शाहरुख खान की फिल्म पठान हो या फिर बात की जाए सनी देओल की फिल्म गदर 2 हो, सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं एनिमल ने, ऐसा दावा किया जा रहा है। अभी और देखेंगे, यहां पर अगर हम जाके देखें ट्विटर पे तो कई अलग अलग आंकड़े भी मैंशन हो रहे हैं, और खास करके KRK के भी आंकड़े देखेंगे कि KRK के आंकड़े क्या बताते हैं इस फिल्म को लेकर, क्योंकि KRK के आंकड़े हमेशा से अलग अलग चीज़ें बताती हैं, और जो तरंश आदर्श है उनके आंकड़े और KRK के आंकड़ों में बहुत फर्क दिखाई देता है। पर फिलहाल देखा जाएगा कि आखिरकार इस बार भी क्या KRK ने अलग ही आंकड़े बताए हैं या फिर कुछ और बातें सामने निकल के आएंगी। पर इसी के साथ एक और फिल्म आई है, जिस फिल्म का कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा रिव्यू निकल के आ रहा है, पर बोल रहे हैं लोग उस फिल्म के अंदर विकी कौशल काम कर रहे हैं और उस फिल्म को लेकर भी चर्चा बनी है, पर उस फिल्म ने इतने करोड़ तो नहीं कमाए, पर एनिमल ने जिस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है इतने पैसे कमाए हैं, तो क्या सही में एनिमल 2023 की सबसे बड़ी फिल्म बन जाएगी? अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि भैया टाइगर अब कहीं ना कहीं पीछे रह चुका है और एनिमल आगे चली गई है, मतलब टाइगर अब कहीं ना कहीं ओल्ड हो गया और एनिमल जो आई है ये न्यू बन चुकी है, और एनिमल ने टाइगर को पिछाड़ दिया है, और कहीं ना कहीं टाइगर में इतने बड़े शख्स काम कर रहे थे जिनके आते ही कहा जाता है कि करोड़ों की कमाई हो जाती है, पर टाइगर इस बार फ्लॉप घोषित कर दी गई है खुद बॉलीवुड न्यूज़ के द्वारा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बॉलीवुड का कहीं ना कहीं एक नया रूप निकल के आ रहा है सामने, जिसमें हम उनको देख रहे हैं बॉबी देओल जो पुराने कलाकार हैं, डेफिनेटली उनकी जो कमबैक कर रहा है आश्रम वेब सीरीज से, वो कमबैक कोई भूलेगा नहीं जल्दी, और उसी कमबैक के कारण आज वो एक अपना नया रूप लेकर फिल्मों में दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं बॉबी देओल ने एक जो कमबैक करा है ये लाजवाब है, और डेफिनेटली बॉबी देओल लोगों की पसंद है, और ये इसलिए पसंद है क्योंकि सनी पाजी हो बॉबी देओल हो ये तब के कलाकार हैं जब कहा जा रहा था कि लोग फिल्में देखते थे और इनको पसंद करते थे और इनको कहा जा रहा है कि फिल्म मन में बसा लेते थे, और डेफिनेटली ये लोग जब से काम कर रहे हैं तब से कहा जा रहा है कि सिर्फ ये आज की जनरेशन नहीं, करीब आज से बात करें 20-30 साल पहले के लोगों के फेवरेट लोग हैं, तो डेफिनेटली तब से लेकर आज तक एक पसंद बन के रहना बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब पुराने कलाकार बहुत ही चुनिंदा रह गए हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, बाकी तो जो पुराने कलाकार हैं जो आज भी हीरो बन के घूमते हैं डेफिनेटली वो अब कहीं ना कहीं साइड रोल में दिखाई दे सकते हैं जल्दी, क्योंकि बॉलीवुड बदल चुका है, और सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड को बदलते हुए देखा गया है। आपने देखा है क्या? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ हमारा फेसबुक का नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला रिव्यू, उसके साथ जुड़िए, फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।